आई फील पाकिस्तान में ना सब कुछ बहुत हम एज रिलेटेड करते हैं कि 18 साल के हो गए हो तो शादी कर ले लड़की, 22 साल की हो गई है तो शी शुड बिकम अ मदर। तो ये स्केरी अम्मी का ख्याल कैसे आया और ये कब स्टार्ट किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप न्यूज़ प्लेनेट देख रहे हैं, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ राना। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो माशरे का एक पॉजिटिव चेहरा है। हमारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत सारी कैंपेन्स चलती रहती हैं जिसमें बहुत सारा वायलेंस दिखाया जाता है, माशरे का बहुत ही भद्दा और बुरा चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन इसी माशरे में रहते हुए कुछ ऐसे खूबसूरत पहलू भी हैं जो कि दिखाए जाने चाहिए, और वो उस तरह दिखाए जाते हैं लेकिन उस तरह से शायद वो नहीं दिखाए जाते जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। होता यह है कि हमारे माशरे की का तकरीबन 50% से ज़ायद जो है वो ख़वातीन हैं, और इन ख़वातीन के अलावा इनको अगर हम मतलब पीछे हटा दें तो तरक्की शायद जो है वो बल्कि यकीनन नामुमकिन होगी। तो मैं उन वर्किंग लेडीज़ की ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, काम भी करती हैं, साथ में ना तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है और ना ही साथ में जो है मामला है कि घर भी चलता है और मामला जो हैं वो दूसरे ऑफिस के मामला भी चलते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल सलाम के मुस्तहिक हैं। हम आपका आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लाए हैं जिनका नाम वो अपने अपने बारे में वो आपको खुद ही बताएंगी, लेकिन जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ स्केरी अम्मी के हवाले से कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, शायद पाकिस्तान का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ख़वातीन के हवाले से वो काम कर रही हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस आयशा नासिर से। जी मिस, आप कैसी हैं? हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा मैम, ये बताइए कि स्केरी अम्मी बेसिकली है क्या? एक आम व्यूअर जो है लाइक मेरे जैसा बंदा है, बंदी है, वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज स्केरी अम्मी। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मदर्स को, अम्मीज़ को पाकिस्तान में प्रोवाइड करता है वो सब चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत है। तो जब आप एक मदर बनते हो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि यू नो छोटी छोटी चीज़ें लाइक बच्चों को क्या खाना खिलाओ, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, कौन से समर कैम्प्स। सो इस इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको सपोर्ट चाहिए होता है, यू नो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन इस तरह के इश्यूज होते हैं, आपको वो सपोर्ट, गाइडेंस, काउंसलिंग, ये एक कम्युनिटी, ये सब कुछ आपको स्केरी अम्मी के थ्रू मिलता है। अच्छा, यानी कि ये कह लें कि आप इस तरह की जो सब चीज़ें आपने को तीन चार ऑलमोस्ट आपने मुझे जिक्र करवा दी हैं, तो आप एक ही छत के नीचे ये चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करती हैं, और शायद ये पाकिस्तान का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको आप रन करी हैं। अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपने एजुकेशन में क्या किया और फिर मतलब स्केरी अम्मी को स्टार्ट करने का कैसे ख्याल आया, कि मत किसका आइडिया था? सो एजुकेशन वाइज मैं आई एम एक्चुअली अ डॉक्टर, मैंने MBBS किया हुआ है फ्रॉम किंग एडवर्ड, बट उसके लाइक मुझे हमेशा से था कि आई वांटेड टू यू नो चेंज द वर्ल्ड, नहीं जैसे कहते लाइक कोई तब्दीली लाएं, कोई नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। तो किंग एडवर्ड हमेशा से रहे। सो किंग एडवर्ड के बाद आई वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, वहाँ से आई डिड माई मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, फिर मैंने एक और मास्टर्स भी वहाँ से किया था। सॉरी, मैं आपको सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अपने देखने वालों को मैं ये बताऊँ कि नाज़रीन आयशा जो हैं वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, MBBS डॉक्टर तो ये हैं ही। मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात इसलिए है कि चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो आयशा जो हैं वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। जी आयशा, सो कोलंबिया से आई डिड माई मास्टर्स इन पोलिटिकल रिपोर्टिंग एंड इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, फिर व्हेन आई केम बैक तो आई बिगन वर्किंग फॉर टेलीविजन चैनल्स। तो ये स्केरी अम्मी का ख्याल कैसे आया और ये कब स्टार्ट किया आपने? सो व्हेन आई जब मैं मुझे आई थिंक हमेशा से था कि आई वॉन्ट टू डू माई ओन थिंग, लाइक मैं ऑन्टरप्रनरशिप में जाना चाहती हूँ, अपना काम करना चाहती हूँ। जब व्हेन आई बिकेम अ मदर तो तब मुझे था कि यू नो ऑब्वियसली जब आप एक उस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हो तो आप खुद भी ढूंढ रही थी मैं ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये काउंसलिंग मिले, ये इंफॉर्मेशन मिले, ये सपोर्ट मिले, तो मुझे नहीं मिल रहा था। एंड फिर जब मैंने ये नीड देखी तो फिर आई थॉट कि ओके देन मैं शुरू करती हूँ मेनली फॉर माई सेल्फ। इनिशली तो मैंने एज ए बिजनेस नहीं शुरू किया था, अपने लिए शुरू किया था, बट इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी और ये इतना बड़ा इशू था कि वो लाइक डेज में ही इट बिकेम क्लियर कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। कब, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि कब शुरू किया, कितनी देर? अबाउट 3.5 years ago। अच्छा। जब मेरा जब
मेरा फोर्थ बेबी पैदा हुआ था उसके कोई साल डेढ़ बाद आई बिगन. अच्छा, तो नासिर साहब जो हैं आपके हस्बैंड जो हैं वो यहीं होते हैं पाकिस्तान में या वो भी? नहीं, सो राइट नाउ नासिर इज़ इन द यूके, ही इज़ डूइंग अ मास्टर्स. एंड लाइक बहुत से लोग कहते हैं कि आप पांच बच्चों के बाद क्यों पढ़ने गए हैं. आपके बहुत सारे वो सजेशंस भी मैं देख रहा था आपने दिए. एंड मेरा अपना ये बिलीफ है कि यू नो जिस तरह आप जिंदगी जीना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी विजन है, उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. अगर आपको पाँच बच्चों के बाद मौका मिला, आप पाँच बच्चों के बाद जाएँ. अगर आपको जल्दी मौका मिल जाए, आप जल्दी जाएँ. लेट मौका मिल जाए, लेट जाएँ. आई फील पाकिस्तान में ना सब कुछ बहुत हम एज रिलेटेड करते हैं, कि 18 साल के हो गए हो तो शादी कर ले लड़की, 22 साल की हो गई हैं तो शी शुड बिकम अ मदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू नो ओ लेवल्स इस डेट पे ख़त्म होने चाहिए, फिर ए लेवल्स. एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत अमेजिंग तरीका है ज़िंदगी जीने का. आई थिंक जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपकी विजन है, वो डिटरमिन करना चाहिए कि आपने इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में क्या करना है. सो नासिर का हमेशा से था, ही ऑलवेज वांटेड कि वो एकेडमिक्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिले टू स्टडी विद द टॉप एकेडमिक्स इन द वर्ल्ड. उनको बहुत ज़्यादा शौक है पढ़ने का, यू नो सोचने का. एंड सो उनको ये मौका अब मिला तो वो अब चले गए. अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने बताया माशाल्लाह आपके चार बच्चे हैं. फाइव. पांच बच्चे माशाल्लाह. तो मतलब शी बेबीज और शी बेबीज में आई हैव फोर बॉयज एंड वन गर्ल. फोर बॉयज एंड वन गर्ल माशाल्लाह. तो ये मतलब हस्बैंड की गैर मौजूदगी में तो किस तरह से मतलब मुश्किल नहीं होता, मतलब मैनेज हो जाता है किस तरह से? नहीं, ऑब्वियसली सोलो पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है. मेरा ख्याल है मुश्किल है बिकॉज नासिर एक्चुअली वाज अ वेरी इन्वॉल्वड फादर. तो हम दोनों काम करते थे और दोनों बहुत अच्छी तरह लाइक डिवाइड कर पाते थे. मतलब यू नो अगर मैं दो बच्चों को ड्रॉप कर रही हूँ तो वो दो बच्चों को करेंगे. पिक में भी वो हेल्प कर देते थे, पढ़ाने में, उनकी ओवरऑल मैनेजमेंट में, यू नो सौ कामों में लाइक ही वुड हेल्प अस. मेरा जनरली सैटरडे वर्किंग होता है, उनका नहीं होता था. तो बहुत ज़्यादा ही वॉज इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन, इमोशनली भी, फिज़िकली हेल्पिंग दैम आउट, लाइक स्पोर्ट्स, फिटनेस बहुत ज़्यादा. सो ऑफकोर्स उनके जाने से इट हैज़ बिन लाइक मुझे लगता है मेरे काम डबल ट्रिपल बढ़ गए हैं, बिकॉज मुझे अपने तो करने ही हैं, बट अब जो नासिर काम करते थे वो भी करने हैं, और फिर नासिर के जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, दुबई में, उनको भी मुझे ही देखना है, बिकॉज वो तो एक डिफरेंट टाइम जोन में है. ये शादी कब हुई और क्या ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? सो इट वाज कम्प्लीटली अरेंज्ड, कम्प्लीटली. ओह रियली? या इंटरेस्टिंगली लाइक जो नासिर का घर है दैट इज ऑन लॉरेंस रोड, एंड जो मेरा अबाई घर है दैट्स ऑन इन मिजांग. सो लाइक लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस थे, बिकॉज लॉरेंस रोड का ये कोना है. सिंगल पेरेंटिंग जो होती है लाइक आपका एक्सपीरियंस होता होगा, आपके पास खवातीन शायद आती होंगी, कॉन्टैक्ट विज करते होंगे, तो वो उस हवाले से बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस आपने मतलब अभी तक किया लोगों से आप मिली, खवातीन से ऐसे मिली, तो उनको क्या मतलब मसाइल फेस करने पड़ते हैं इस हवाले से? आई थिंक पेरेंटिंग इज़ वेरी हार्ड, लाइक बींग अ मदर इज़ वेरी हार्ड, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू. एंड उसमें द सैड, सो यू नो द टू थिंग्स, एक है सोलो पेरेंटिंग जो मुझे लगता है पाकिस्तान की बेशतर औरतें करती हैं, कि आपके हस्बैंड के होते हुए भी आप ही सब कुछ कर रहे हो, जैसे लाइक अभी मेरी सिचुएशन है. बट चलें इंशाल्लाह मेरी सिचुएशन तो एक टाइम बाउंड है, डिफरेंट. लेकिन बहुत सी औरतें हैं जिनके हस्बैंड आर्मी में होते हैं, वो लाहौर में रहती हैं, वो सोलो पेरेंटिंग कर रही हैं. सोलो पेरेंटिंग हो गई, किस तरह से खुदा ना खास्ता अलहदगी हो जाती है, मतलब कोई सौ मामला बनते हैं, जैसे कुछ बेचारे रह ही बाहर रहे, तो अगला जो मामला होता है ना वो बच्चों का होता है, तो उनके ऊपर जो असरात होते हैं वो बहुत बुरे नहीं होते? सो जिस तरह ये मतलब अगर आप, मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि यू नो पांच वक्त की जो नमाज़ है ना, इसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन लाइक बच्चों के लिए नमाज होती है. बिकॉज जब आप दिन में अपने पांच वक्त नमाज पढ़नी होती है तो आपके माइंड में होता है कि मैंने वजू करना है, मैंने नमाज पढ़नी है, तो फिर ये सिगरेट नोशी, ड्रग्स, अल्कोहल, पार्टीज. तो नाज़रीन, आपने आयशा से मुलाकात की, आयशा जैसी हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो हमारे माशरे का एक पॉजिटिव चेहरा है, और ऐसी ख़वातीन को ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए. और आई प्रे कि इनका जो ये जो प्लेटफॉर्म है जिस मकसद के लिए इन्होंने बनाया वो ग्रो करे, और इस मकसद के लिए हम दुआगो भी हैं और इनके साथ भी हैं. मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.